Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today's date is 14 July. और दिन है आपके पास मंगल का 10th class general science का जो आज हम topic पढ़ेंगे वो chapter है आपके पास सबक नंबर 10 और science और technology chapter का name है. Topic जो हम आज पढ़ेंगे medicines यानी कि advertising. ठीक है तो start करते हैं. मुल्क से बीमारी के खात्मे के लिए अदवाई साजी की सनत को बहुत अहमियत हासिल है. आबादी के इजाफे और लोगों को बीमारी से जल्द छुटकारा दिलाने के जज्बे के तहत मुल्क में पिछले 50 साल के अरसे के दौरान दवा साजी की सनत ने बेपनाह तरक्की की है. नई नई अदवायात मुतारिफ हुई, एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड्स, हारमोन, हयातीन और बहुत सी दूसरी दवाएँ मसनूई ज़राए कीमियाई तरीके से हासिल की जाती हैं और इंसानों और हैवानात के लिए बहुत मुफीद हैं. इसके अलावा जड़ी बूटियों की मदद से अदवा साजी बाज़ अफराद और इदारों की कोशिशों से बड़ी तरक्की हुई है. मुल्क में फार्मास्यूटिकल कंपनियां अदवाइयां की एक बड़ी मतनुआ रेंज तैयार करने के लिए कायम की गई. वो मुल्क में तमाम तर मरीजों की ज़रूरियात पूरी करने में कोशा है. दवाओं की तैयारी में ज़्यादातर खाम माल दरामद करना पड़ता है. ज़रूरत इस अमर की है कि दवा साज कंपनियां अपनी तिब्बी नबतात खुद उगवाएँ ताकि दवाओं की तैयारी के लिए दरकार खाम माल मुल्क में ही पैदा हो सके. इससे ना सिर्फ ज़र मुबादला की बचत होगी बल्कि इससे दवा साजी के खर्चात में भी कमी आएगी और बहुत से पाकिस्तानियों के लिए रोज़गार के मौके भी पैदा होंगे जब दवाइयाँ जो हैं वो सस्ती दस्तियाब होंगी. इसके बाद टेक्सटाइल की सनत है. क्वेश्चन आ सकता है टेक्सटाइल की सनत पर नोट लिखें. पाकिस्तान में टेक्सटाइल की सनत का दारोमदार ज़राई पैदावार कपास और मदनी खाम माल पर है. पाकिस्तान कपास पैदा करने वाला अहम मुल्क है. कपास ज़्यादातर दूसरे ममालिक यानी जापान, बरतानिया वगैरह को बरामद की जाती है मगर अब ज़्यादातर अंदरूनी मुल्क टेक्सटाइल की सनत में इस्तेमाल हो रही है. टेक्सटाइल पाकिस्तान की सबसे बड़ी सनत है. कराची से लेकर पेशावर तक मुल्क के तौर अर्ज में कोई 300 से ज़्यादा टेक्सटाइल मिले हैं. टेक्सटाइल मिले बड़े मराकज़ जो हैं उनकी कहाँ कहाँ के हैं. फैसलाबाद, कराची, हैदराबाद और मुल्तान में हैं. टेक्सटाइल की सनत पाकिस्तान की मजमूई इक्तसादी पैदावार का बड़ा हिस्सा है. इसमें सूती धागा, सूती कपड़ा और तैयार शुदा सामान शामिल है. तैयार शुदा माल में रेडीमेड मलबूसात, हजूरी तौलियाँ वगैरह शामिल होते हैं. टेक्सटाइल की सनत का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की महीशियत में बहुत अहम किरदार अदा करता है. इस सनत की अहम खसूसियात क्या हैं वो हैं जी ये लास्ट में 1 or 2 के पॉइंट्स के ठीक है ये शॉर्ट में आ सकते हैं खसूसियात. पहली खसूसियात क्या है इस सनत में तरक्की के बेशुमार मौके हैं. आजकल हमारी मजमूई बरामदात का 60% हिस्सा रुई, सूती धागे, कपड़े और रेडीमेड मलबूसात पर मुश्तमिल है. तौलियाँ और बिस्तरों की चादरें इनके अलावा हैं. इनमें पाकिस्तान के लोगों को एक बड़ी तादाद में रोज़गार जो है वो मिलता है. ठीक है ये टेक्सटाइल की सनत की खसूसियात है. आज हमने जो पढ़ा अदवा साजी और टेक्सटाइल की सनत ये दोनों टॉपिक आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है पेज नंबर 195 पे. ठीक है ये अदवा साजी ठीक है और ये टेक्सटाइल की सनत अच्छे तरीके से इनको पढ़ना है और याद भी करना है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट. टुडे द डेट इज़ 14 July 2020 एंड द डे इज़ ट्यूसडे यानी कि मंगल. आज जमात आप लोगों की तमाम मजमून है आप लोगों का इस्लामियात इख्तियारी. आज हम जो टॉपिक करेंगे है वो है इख्तिताम फ़र्ज़ ए नबूवत यानी खुतबा हिज्जतुल विदा जो कि पेज नंबर 109 पर है और नीचे है तकमील शरीयत और इस्लामी हुकूमत का क़याम. आज हम दो पॉइंट्स करेंगे. क्लास देखिए आप लोग. हिजरत से अब तक आपसे सल्लम ने हज अदा ना फरमाया था. आपसे सल्लम को मालूम हो चुका था कि रिहत का ज़माना करीब आ गया है. इनकी वफात का ज़माना करीब आ गया है. अब ज़रूरत थी कि तमाम दुनिया के सामने शरीयत इख्लाक और हुकूमत के तमाम बुनियादी असूलों का अच्छा ऐलान कर दिया जाए. अच्छा ऐलान होते ही
हम नकाबी के लिए पूरा अर्थ उम्र डाला है, उनके साथ देने के लिए पूरा अर्थ उम्र डाला और आगे पीछे दाएं बाएं जहाँ तक नज़र काम करती थी आदमियों का हुजूम नज़र आता था। मदीने से मक्का का सफ़र तीनों में तय हुआ और चार से हज को आप सल्लम मक्का मुस्मा में दाखिल हुए, यानी कि कौन सी डेट को सल्लम मक्का मुस्मा में दाखिल हुए, चार से हज। और रसूल हज अदा करने के बाद मोमने से हज को बेदाने अल्फाज ने नाका पर सवार होकर वो मशहूर खुतबा यानी कि खुतबतुल हिज्जतुल विदा दिया जो तमाम इस्लामी तालीमात का निचोड़ है और जिसका मौजू हज की बरकत काबा की हुरमत मुसलमानों के मालो खून नवाबों की हिफाजत उर्दों के वो गुलामों के साथ इस्लामी सलूक इस्लामी बरादरी और इत्तेहाद था। देखें जी तकमील शरीयत और इस्लामी हुकूमत का क़याम। हज़रत मूसा सलम ने मक्के और फिर मदीने में वही इलाही की रहनुमाई में जो अफराद तैयार किए और फिर इनसे जो बेहतरीन जमात तैयार की वो हुकूमत इस्लामी के क़याम का पेशे खेमा थी। मदीने में हज़रत मूसा सलम ने तकमील इस्लाम और क़याम अमल के लिए जो तर्ज़ अमल तैयार किया इससे साफ मालूम होता था कि आप सल्लम शरीयत इस्लामी की तकमील के साथ साथ इस्लामी हुकूमत के क़याम के लिए भी इस दुनिया में तशरीफ़ फरमा हो, यानी कि हुज़ूर सल्लम शरीयत इस्लामी की तकमील के साथ साथ यानी कि इस हुकूमत में ना यानी कि इस दुनिया में जो तशरीफ़ लाए थे वो ये भी था कि हुज़ूर सल्लम यहाँ पे इस्लाम की तालीमात लोगों तक पहुँचाए, इस्लामी दौर हो, इस दुनिया में तशरीफ़ फरमा हो। अल्लाह ताला ने इस्लामी हुकूमत के क़याम को इस्लामी एक काम के नफाज के लिए ज़रूरी करार दिया और इस्लाम की हुकूमत की वर्षों बारे को इन अल्फाज में बयान फरमाया, यानी कि इन अल्फाज में बयान किया। मुझे तर्जुमा देखें जिन्हें हम अगर ज़मीन में हुकूमत अता करें तो नमाज कायम करें, मुस्तहकीन की माली मदद करें यानी कि ज़कात के ज़रिए लोगों को नेकी की ताकीद करें और बुराई से रोकें, यानी एक मुनज़्ज़म और बाकायदा इस्लामी हुकूमत का वजूद इसी तरह इसीलिए ज़रूरी था कि मुल्क में अपना अमान पैदा हो और इस्लाम बिला रोक टोक फल मिल सके और मुसलमान बग़ैर किसी मज़म्मत के मजहबी फ़राइज अंजाम दे सके, यानी कि इस्लाम पर मुसलमानों पर कोई रोक टोक ना हो, मुल्क में अमन अमान हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, इस्लाम पर कोई रोक टोक ना कर सकते, मुसलमान किसी बग़ैर मज़म्मत के अपने जो उसके मजहबी फ़राइज हैं वो अंजाम दे सके। क्लास आज यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे तरीके से उसको याद करना है। नेक्स्ट इसका जो पेंडिंग है टॉपिक यही जो पेंडिंग है आप लोगों का पेज है, इंशाल्लाह नेक्स्ट में आप लेक्चर में आप लोगों को कराऊंगी। नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।